हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यूट्रिलिशियस लाइफ। आ गया वापस। तो आज मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि आजकल लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं ना, कंपैरेटिवली बीड़े के जमाने के लोग, मींस पहले के जमाने के लोग, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे ना। फिर मैंने चेंजेस नोट किए तो मुझे पता चला कि पहले के जमाने में लोग झाड़ पान फल फूल से रिलेटेड फूड ज्यादा खाते थे, और आजकल तो हम ऐसा कुछ ज्यादा खाते नहीं है। तो आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ फ्लावर्स से, ताकि हम भी थोड़े से फल फूल खा पी सके। तो रेड वाइन जैसा दिखने वाला ये ड्रिंक रेड वाइन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो अल्कोहल फ्री हेल्दी ड्रिंक है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अभी मैंने बहुत सीक्रेट रख लिया, अभी मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये है सॉरेल ड्रिंक। आप में से बहुत सारे लोग इसे पहली बार देख रहे होंगे। इसे पहली बार पीते ही मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं निकल पड़ी थी ढूंढने ये फ्लावर्स और इसकी रेसिपी, और मुझे इसकी हेल्दी रेसिपी मिल गई। तो आज मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप बना सकते हो ठंडा डिलीशियस विंटर ड्रिंक। ये सॉरेल फ्लावर से बनता है, जो कि एक टाइप के हिबिस्कस फ्लावर का जमैका नाम है। हमारे यहाँ हिबिस्कस फ्लावर को जासूद के फूल बोलते हैं, और आपके वहाँ क्या बोलते हैं? यह है सन ड्राइड सोरेल फ्लावर्स। यहाँ पे तो ये मिलता है, लेकिन अगर आपके वहाँ नहीं मिल रहा तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। और क्योंकि ये सन ड्राइड है, इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई है, तो हमें इसे वॉश करना होगा पहले, ताकि ये हमारे ड्रिंक में जाने से पहले क्लीन हो जाए। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी, और इसे पानी में डुबो के रखना है एटलीस्ट आधे घंटे तक, और इसे अच्छे से वॉश भी कर लेना है। और जब तक ये सोक हो रहे हैं, हम पाइनएप्पल कट कर लेते हैं। इसमें हम पाइनएप्पल को अच्छे से वॉश करेंगे पहले, क्योंकि इसके जो छिलके निकलने वाले हैं, हम उसे भी उबालने वाले हैं, तो इसे डिफरेंट स्टाइल से कट करना होगा। और इसका जो पाइनएप्पल का बीच का जो पार्ट बचता है, उस पार्ट को हम चॉप कर लेंगे, और ये छिलके को अभी साइड में रख लेंगे, क्योंकि ये हम यूज़ करने वाले हैं बाद में। और इसमें से जितना हो सके उतना आप कट करके अच्छे से पाइनएप्पल निकाल लेना, क्योंकि ये हमारे ड्रिंक की स्वीटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ऐसे। ड्रिंक में हम कुछ गर्म चीज़ें डालने वाले हैं, जो कि है तेज पत्ता और दालचीनी और अदरक एंड लौंग। और अदरक को छील लेना है, हमें छीला हुआ अदरक लेना है। तो अभी ये भिगाए हुए सोरेल फ्लावर्स हमें अच्छे से वॉश करके निकाल लेने हैं, और ये बचा हुआ पानी जो कि वेस्ट है, उसे हम फेंक देंगे। और अभी सोरेल ड्रिंक बनाने के लिए आपको जितना ये ड्रिंक बनाना है, उस हिसाब से आप पानी ले सकते हो। और उसमें मैंने ये सारे गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, जो कि मैंने अभी बताए थे, और इसे उबलने देना है। अभी इसमें हम ऐड करते हैं वो वॉश किए हुए सोरेल फ्लावर्स,
इसका कलर बिल्कुल बीट के जैसे निकलता है। और अभी मैंने वो पाइनएप्पल के छिलके ऐड कर लिए हैं और इन सब को अच्छे से उबालना है एटलीस्ट आधे घंटे तक, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत लगे तो ज़्यादा। और दूसरी ओर हम स्वीटनेस के लिए प्योरी बना लेते हैं। ये हमने चॉप किए हुए पाइनएप्पल है जिसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी खजूर। आपको ये स्वीटनेस के हिसाब से जितना स्वीट चाहिए आप उतने डेट्स ऐड कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं हमारा उबलता हुआ ड्रिंक। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा उबल चुका है लेकिन हम इसे और रखने वाले हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब ये उबलता है, और ये उबल जाने पर हम इसे छान लेंगे ताकि सारा कचरा निकल जाए। और ये मैंने बहुत पतला बनाया है लेकिन अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप पानी कम ऐड करना और ये गाढ़ा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और इस छिलके को अच्छे से प्रेशर डाल के हम सारा जूस निकाल लेंगे। पाइनएप्पल बहुत मीठा है क्योंकि ये हमने पूरा पका लिया था पहले, तो उसकी वजह से मैं पूरा जूस निकाल रही हूँ। और ये हमारी बनाई हुई प्योरी जिसे भी हम छान लेते हैं और जूस में ऐड कर देंगे। और ये प्योरी ऐड हो जाने के बाद आप जूस को चख के फिर उसमें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से हनी। इसे फ्रिज में रख देना ठंडा होने के लिए और फिर आप एंजॉय कर सकते हैं सोरेल ड्रिंक। और सच बताऊं मुझे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसमें बहुत सारे गरम मसाले भी डालते हैं, तो आई प्रीफर टू हैव दिस इन विंटर, क्योंकि विंटर में हम ऐसी गरम चीज खाना प्रीफर करते हैं ना, क्योंकि विंटर में ठंडी भगाने के चक्कर में लोग बहुत गरम गरम चीजें जैसे कि काढ़ा सूप सब कुछ पिलाते हैं। इसे आप गरम और ठंडा दोनों टाइप का पी सकते हो, लेकिन मुझे ये पसंद है कोल्ड, ठंडा फ्रिज में रखा हुआ। तो विंटर में अभी गरम गरम चीजें बहुत खा पी ली, अब टाइम है कुछ ठंडा पीने के। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो इस बार विंटर में कुछ ठंडा हो जाए। सोरेल फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को घटाता है और ये हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से भी प्रिवेंट करता है, आपको बचाता है। लेकिन जैसे कि इसके बेनिफिट्स है, इसके सम डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये प्रेग्नेंट वुमन और छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, उनको ये कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फॉलो माय इंस्टाग्राम आईडी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।